अरे क्या बात है अब्दुल, आज नए साल की पहली सोडा पीनी और अभी तक कोई आया नहीं है। जीता भाई सब आते ही होंगे। हाँ वैसे बात तो सही भाई, नए साल का पहला सोडा कौन मिस करेगा। बैठो बैठो बैठो, आ जाओ। और तुझे पता है ना, साल के पहले दिन जो होता है फिर पूरा साल वही होते रहता है। मतलब आज तू लेट हुआ तो अभी पूरा साल तू लेट होगा, तो आज से मैं तुझे लेट लतीफ बुलाऊंगा। जेठालाल एक बार कोई लेट आया तो उसको लेट लतीफ नहीं बोलते भाई। तुम्हें मुझे लेट लतीफ बुलाने के लिए मुझे तुम्हारी तरह हर बार लेट आना पड़ेगा। लेकिन दोस्त अफसोस, तुम्हारी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। देखते हैं। ए देखो गोकुलधाम के वन्य जीव आ रहे हैं। वन्य जीव हैं? हाथी और पोपट। वन्य जीव। गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग। अब्दुल यारा, और नए साल का सबसे पहला नींबू सोडा सबके लिए बना। हाँ हाँ बनाता हूँ। सोडी अय्यर भाई अभी तक आए नहीं है, वो आ जाए फिर सब साथ में पीते हैं। अय्यर भाई नहीं आया अभी तक? आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं? अय्यर भाई नहीं आया अभी तक? जी ऐसा बोलिए। मुझे नहीं लगता अय्यर भाई अभी आएंगे। एमकेम? अरे वो लेते हैं ना नए साल में क्या हो सॉल्यूशन, तो मुझे लगता है अय्यर भाई ने नए साल में सॉल्यूशन लिया होगा कि भाई नए साल में मुझे सोडा नहीं पीनी है। जेठालाल उसका सॉल्यूशन नहीं रिजोल्यूशन बोलते हैं। अच्छा। और मैंने सोडा ना पीने का रिजोल्यूशन नहीं लिया है और ना कभी लेगा। अरे पर आप इतना खींच क्यों रहे हो अय्यर यार? तुम्हें तो पता है ना जेठालाल के मजाक की आदत है, मजाक कर रहा है वो, मस्त रहो तुम। अरे भाई चलो अब तो कोरम पूरा हो चुका है, दौरे सोडा शुरू किया जाए भाई। अब्दुल एक मिनट, इससे पहले के दौरे सोडा शुरू हो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इरशाद, मैं आत्मारम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज के इस नए साल की पहली शाम पे पहली सोडा पीने के लिए सोडा शॉप पे आए हुए सभी गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबर्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आगे आगे मेन बात बोलो। यही मेन बात थी भाई। अच्छा चलो इससे पहले दौरे सोडा शुरू हो, आजकल मैसेजेस बड़ा आते हैं ना नए साल के, तो फोन पे हमारा एक दोस्त एक अच्छा संदेश भेजा है, जरा वो पढ़ के सुना कि कायनात का हर रंग लेके और हर रंग का फूल लेके, हर फूल की खुशबू लेके, खुशबू भरे लम्हे लेके और लम्हों भरी ये जिंदगी में तुम्हारे नाम करता हूँ और नए साल का सलाम करता हूँ। समुंदर के बीच में अगर नींबू का पेड़ हो तो नींबू कैसे तोड़ोगे? राती गुल्लू ने जवाब दिया चिड़िया बनकर। एग्जैक्टली मास्टर जी ने यही पूछा तू चिड़िया कैसे बनेगा, तो गुल्लू ने कहा मास्टर जी पहले आप ये बताइए कि आप समुंदर के बीच में नींबू का पेड़ कैसे उगाएंगे, तब मैं आपको चिड़िया बन के बताऊंगा। बराबर बराबर मास्टर जी पक्का भिड़े जैसे हो गए। तो मास्टर मतलब भिड़े मैं क्यों? अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ। और वो लड़का जरूर कच्ची मड़ू होगा। वैसे नींबू है कमाल की चीज भाई, ये नींबू जो है हंसा भी सकता है, जैसे अभी इस लतीफे में हंसाया, और ये नींबू रूठी बीवी को मना भी सकता है। मतलब अभी अंजलि भाभी को मेहता साहब ने नींबू के फायदे गिना है, तभी अंजलि भाभी ने मेहता साहब को यहाँ सोडा शॉप पे आने की परवानगी दी भाई। अच्छा भाई अब्दुल तेरा ये सोडा में जो नींबू है ना, उसी वजह से मैं आ पाया हूँ, मैं वरना आने नहीं देती हूँ। मैंने कहा नींबू के बड़े फायदे फायदे गिनाए तो आने दिया, नींबू काम आ गया। ओहो नींबू तो सोडा की जान है, उसके बिना सोडा वीरान है।
और नींबू ही सोडा की आन बान और शान है। नींबू के बिना सोडा मतलब सांभर के बिना इडली, जलेबी के बिना फाफड़ा, अरे बाबरे, और जैसे मक्खन के बिना आलू द परांठा, जैसे पूरन के बिना पोली। नींबू के बगैर सोडा वैसे ही है जैसे बिना चाशनी के रसगुल्ला। नींबू के बगैर सोडा वैसा ही है जैसे करेले बिना मेरा भोजन। दोस्तों आप सब कुछ भी कहो, भाई मेरे लिए नींबू के बगैर सोडा का मतलब है शादी के बगैर का कुंवारा इंसान। नहीं 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 बबड़ा, तुम समझ नहीं रहे, हम सारे लोग कैसी उपमाएं दे रहे हैं खाने पीने की, और तुम बीच में शादी लेके आ गए। सही बात, मेहता साहब यहाँ मेरी शादी नहीं हो रही और आपको उपमा की पड़ी है। पोपो तो हर बात में अपनी शादी का टुकड़ा लेके सबका मूड को खराब कर देता यार। अभी मूड खराब करने की बात छोड़ो, सब लोग नींबू सोडा पीते हैं और मूड अच्छा करते हैं। हाँ बिल्कुल, चल बना बना अब्दुल सर। अब्दुल कहाँ गए? अब्दुल अभी तो इधर ही था, किधर गया? अरे अब्दुल, अरे सॉरी भाई, मैं इधर ही हूँ। अरे वहाँ नीचे क्या कर रहा है? और सबके लिए मस्त नींबू सोडा बना। वो आज सोडा नहीं पी सकते। क्यों क्यों एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या प्रॉब्लम? अरे जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालेंगे भाई, तुम सोडा तो पिलाओ। सही बात है, वो नींबू खत्म हो गया है। हाँ वो मैं नींबू ही ढूंढ रहा था, नीचे छुपकर मैं यही देख रहा था, लेकिन एक भी नींबू है नहीं। अरे अभी नींबू के इतने सारा फायदे गिनवाए, अभी बिना नींबू का सोडा कैसे पी सकते हैं? नहीं सवाल नहीं, मतलब आज का सोडा पीना कैंसिल? पिघल कर रहे हैं पिड़ू, और सोडा पीना कोई कैंसिल नहीं होगा। साल का पहला दिन है, अगर आज कैंसिल कर दिया ना नींबू सोडा पीना, तो पूरे साल नींबू सोडा पीना कैंसिल ही रहेगा। भाजी ना आज तो कैसे भी करके नींबू सोडा पीना ही पड़ेगा। सही बात है। हाँ लेकिन नींबू कहाँ से आएगा? भीड़ा जा जाके नींबू लेके। मैं क्यों लाऊं? अरे भाई गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते गोकुलधाम सोसाइटी की एकमेव सोडा की दुकान के लिए नींबू लाने की जिम्मेदारी तेरी है। कुछ भी यहाँ पे जिम्मेदारी की बात कहाँ से आ गई पोपटलाल? और अगर घर पे नींबू होते तो मैं डेफिनेटली लेके आता, लेकिन घर पे नींबू है नहीं। ओपो तू पिड़ुको क्यों बोल रहा है? तू एक काम कर, अपने घर जा और नींबू लेके आ। नहीं वो क्यों नहीं पोपो? देखो अभी मुझे बोल रहा था नींबू लाने के लिए, अभी खुद को बोल रहा तो मना कर रहे। अरे लोग दोस्तों के लिए जान देते, तुम नींबू नहीं दे सकते? अरे भाई चाहिए तो पैसे ले लेना। अरे भाई पैसों की बात नहीं है, मैं हमेशा अपने घर पर नींबू का स्टॉक रखता ही हूँ, लेकिन क्या है ना अभी मौसम थोड़ा ठंडा चल रहा है ना, इसलिए मैं नींबू अवॉइड कर रहा हूँ। अरे मेहता साहब आपने तो अंजलि भाभी को नींबू के फायदे गिनवाए थे ना, तो आपके घर पे नींबू होंगे, आप जरा लेके आइए ना प्लीज। मुझसे तो उम्मीद ही मत रखना कि मैं जाके नींबू लेके आऊंगा। अंजलि ने कितनी मुश्किल से भेजा जेठालाल तुम्हें तो पता ही है, और अभी वापस चला गया तो आने नहीं देगी मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी मेहता साहब जैसा ही है, मैं अभी घर पर नींबू लेने गया ना तो बापूजी मुझे वापस नहीं आने देंगे। हाथी भाई सही बात है, बात नींबू की सोडी ने शुरू की थी तो सोडी ही लेके आएगा नींबू। ओ नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा, अगर मैंने रोशन डार्लिंग को जाके नींबू मांगे तो रोशन डार्लिंग तो सोचेगी कि मैं नींबू के बहाने से जरूर कुछ पार्टी शादी का चक्कर चला रहा हूँ। नहीं 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 नाराज हो सकती है सोडी, वैसे भी हमारी पत्नियां रोज नाराज होती हैं कि किसी न किसी बहाने से आप सोडा शॉप चले ही जाते हो। और अब नींबू का क्या करेंगे? मैं क्या बोलता हूँ, बगैर नींबू का ही सोडा पी लेते हैं ना। पिड़ो मुश्किलों से जो हार मान ले वो कायर होते हैं, वीर वो होते हैं जो मुश्किलों का सामना करते हैं सीना तान के। हाँ सही बात है। अरे लेकिन अभी सीना तान के जाएंगे, नींबू कहाँ से लाएंगे भाई? कोशिश तो कर सकते हैं वीर पिड़ू। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं छोटे की बात से सहमत हूँ, कहीं से भी नींबू का बंदोबस्त करते हैं और रात तो नींबू वाली सोडा ही पीते हैं। सही बात है। अरे लेकिन जेठालाल टाइम तो देखो भाई, सारे सब्जी वाले घर चले गए होंगे, कहाँ से लाएंगे नींबू? भीड़े भाई आगे रोड पर एक सब्जी वाला है जो देर रात खुला रखता है, वहाँ नींबू मिलने का चांसेस है। यस आप लोग बैठिए, मैं भी लेकर आता हूँ। अब्दुल एक मिनट रुक। दोस्तों इतना बढ़िया मौसम है, अच्छी हवा चल रही है, हम लोग पैदल चलते हैं ना नींबू लेने के लिए।
मूवी लेने के बहाने थोड़ी सैर भी हो जाएगी और खाना भी हजम हो जाएगा। चलो लेके आते हैं। हाँ चलिए चलिए। लेकिन खाना हजम हो जाएगा तो फिर सोडा पीने की जरूरत ही क्या है? अरे भाई तू मत पीना यार, एक पन दो काज हो रहे हैं, चलो ना। चलो चलो भाई चलो, मुझे भी कल के लिए टमाटर लेने। चलो चलो। अरे एक मिनट भाई, चलते हैं मतलब क्या? चल के थोड़ी जाएंगे, सोडी की जीप में जाते हैं ना। जेठा भाई चल के जा सकते हैं, सब्जी वाला नजदीक ही है। अरे भाई अभी रात को कहाँ अभी चल के जाएंगे, सोडी की खुली जीप में जाएंगे, मस्त हवा चलेगी, मजा आएगा। जेठालाल तुम एक नंबर के आलसी हो। मैं आलसी? हाँ आलसी, जरा सा भी चलने को बोलो तो आलस कर दो। अच्छा ठीक है चलो, अभी मैं तुमको दिखाता हूँ मैं कितना स्फूर्ति लाऊ। यहाँ से चल के हम लोग नींबू लेने जाएंगे, वहां से नींबू लेके चल के वापस ही आएंगे और नींबू सोडा पी के मैं और तुम हम दोनों अहमदाबाद तक चल के जाएंगे। चलो ऑल द बेस्ट पोपटलाल। अरे क्या ऑल द बेस्ट भाई, मैं नहीं जा रहा हूँ। क्यों 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 नहीं जा रहे हो भाई? अरे भाई अहमदाबाद तुम्हारा ससुराल है, तुम जाओ भाई, मैं क्यों जाऊँ? अरे अभी तुम ही कह रहे थे ना मैं चलने का आलसी हूँ, तो आओ मेरे साथ चल के देखो मैं कितना चल सकता हूँ। नहीं नहीं वैसे जाओ जाओ पोपटलाल, अहमदाबाद जाओ। जेठालाल का ससुराल है अहमदाबाद, लेकिन बड़ा शहर है, तुम्हारा भी संभावित ससुराल हो सकता है, जाओ। नहीं बराबर है भाई, ससुराल हो सकता है लेकिन मैं चल के क्यों जाऊं? मैं फ्लाइट से जाऊंगा या ट्रेन से जाऊंगा? अगर मैं चल के गया अहमदाबाद तो लड़की वाला क्या सोचेंगे कि लड़का इतना गरीब है कि उसे चल के अहमदाबाद आना पड़ा? अरे अहमदाबाद की छोड़ो पोपटलाल, अभी फिलहाल सब्जी वाले तक तो चलते हैं। हाँ लेकिन मैं क्या कहता हूँ, नींबू लेने के लिए सबको जाने की जरूरत नहीं है ना। अय्यर भाई मैं अकेला क्यों जाऊँ? तो ठीक है आप यहाँ बैठो, हम लोग नींबू लेके आते हैं। तो जरा मैं अकेला इधर क्यों बैठेगा? अरे अय्यर भाई आपको जाना भी नहीं है, इधर बैठना भी नहीं है, तो करना क्या है? अरे अब्दुल यहाँ अकेला है, उसको यहाँ बैठ के कंपनी दो। हाँ अय्यर भाई मैं हूँ ना यहाँ पर। तो जेठालाल अब्दुल को कंपनी तुम दो, और वैसे भी तुमको चलना पसंद नहीं है ना। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है भाई। चलो चलो आज दिखाता हूँ मैं आपको, रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। चलो रेस तुम्हारे साथ। इसमें करके हंसने की क्या बात है? जेठालाल मैं एक टांग पर भी चलाना तो भी तुमसे रेस में जीत जाएगा। तो चलो 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 लंगड़ी करो, मैं दोपहर से चलता हूँ। ओ यारो ठंड में ठंड पाओ और आराम से जाते हैं, नींबू लेके आते हैं और साल का पहला नींबू सोडा सारे यार मिलके। नहीं 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 भाई सोडी, आराम से जाते हैं नहीं, जल्दी से नींबू लेके आते हैं, सोडा पी के घर जाते हैं भाई। अरे मेहता साहब आप तो डबल डबल किया, दोनों तरफ से बात करते। पहले आप कह रहे थे कि मस्त है, टहलते टहलते जाते हैं सैर हो जाएगी, अभी बोलता है नहीं 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 जल्दी जल्दी जल्दी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जीप में जाते हैं ना तो जल्दी हो जाएगा फटाफट। जीप ये चाबी लेने जाएगा, जीप निकालेगा, जीप में बैठ के जाएंगे, इतने में तो पैदल चल के आ जाएंगे जेठालाल। अरे इतने चलो चलो जल्दी आना। अरे संभालो यार भाई। अरे वो रहा सब्जी वाला। अरे अरे वो तो जा रहा लगता है। अरे एक मिनट भैया मैं आता हूं। अरे ओ भाई साहब आ गया गया। ओ भाई साहब रोक लेगा भाई। भैया एक एक आठ नींबू चाहिए। लाओ भाई 80 रुपए दीजिए। 80 रुपए? हाँ 10 रुपए का एक है। 10 रुपए का एक नींबू? नींबू इतना महंगा थोड़ी होता है। मेरा तो यही भाव है, लेना है तो लीजिए। अरे लेना है तो लीजिए से क्या मतलब है भाई, लेना इसलिए तो आया हूं। अरे कौन सा तरीका बात करने का? पोपटलाल क्या हो गया? भैया तू ही बता भाई, 10 रुपए का एक नींबू आता है? नहीं नहीं 10 रुपए का तो 3 नींबू आते हैं। ये 10 रुपए का एक नींबू बोल रहा है? ओ भाई साहब 10 रुपए का एक नींबू महंगा है भाई। फिर मैं भी यही बोल रहा हूँ, तो बोल रहा है लेना है तो लीजिए, ये तो खुल्लम खुली दादागिरी है भाई, लूट मचा रखी है। ओ साहब मुंह संभाल के बात कीजिए, हम सब्जी वाले कोई लुटेरे नहीं है। लेकिन काम तो लुटेरे जैसा ही कर रहा हूँ ना भाई। ए, ए, एक मिनट पोपटलाल शांति रखो, जाने दो ना भाई। कैसे जाने दूं भाई, नींबू जैसी चीज का कोई डबल भाव लगाता? ये तो काला बाजारी बहुत हो गया, कभी काला बाजारी कभी लुटेरा, समझते क्या हो अपने आपको? ओ कुछ नहीं जी कुछ नहीं, अब एक काम कीजिए हमको नींबू दे दीजिए, एक नींबू के 10 रुपए यानी 80 रुपए हम देने को तैयार। मैं देता हूँ छोटी देता हूँ। हाँ भाई बांधो बांधो, 8 नींबू बांधो, चलो इसमें से 80 रुपए ले लो। जेठालाल भाई इसके सामने घुटने मत टेको भाई, इसको 10 रुपए के 3 नींबू देने ही पड़ेंगे। अभी तो आप लोगों को मुझे नींबू बेचना ही नहीं है। अरे अरे भाई ऐसा मत कीजिए, मैं एक डॉक्टर हूँ।
मतलब मैं एक प्रतिष्ठित नागरिक हूँ। इनकी बातों का बुरा मत मानिए, इनका स्वभाव ही कुछ ऐसा है। कि स्वभाव ऐसे ऐसे क्या मतलब है आतिब भाई आपका? मैं भी प्रतिष्ठित नागरिक हूँ, तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना मेरा पेशा है भाई, इट्स पार्ट ऑफ माय जॉब। मैं इसकी दुनिया हिला दूंगा, समझता क्या अपने आपको? बात सुन लो हमारी। देखिए भाई साहब, आप हमको नींबू दे दीजिए, हम बड़ी घास लेकर आए हैं। घास? अरे यार, घास लेके नहीं आए हम, बड़ी आस लेके आए भैया, बड़ी आस लेके आए। हाँ, हम बड़ी आस लेकर आए हैं, प्लीज हमको निराश मत करो, नींबू दे दो। एक बार बोला ना, आप लोगों को नींबू बेचने ही नहीं है। भाई साहब, बात समझने की कोशिश कीजिए, हमारे लिए इस वक्त नींबू लेना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, आप लोग इनके साथ आए ना, मुझे नींबू देने ही नहीं है। कभी काला बाजारी, कभी लुटेरा, मुझे नींबू देने ही नहीं है। अरे अरे अरे, सुनो सुनो भाई सुनो, एक काम करो, बस एक नींबू का 20 रुपए ले लो, ये ले लो, इसमें से 160 ले लो, दे दो दे दो। यार पोपटलाल, अच्छे भले नींबू मिल रहे थे, सिर्फ तुम्हारी वजह से हाथ आए नींबू चले गए। अरे भाई, वो गलत दाम लगा रहा था। वो गलत दाम नहीं लगा रहा था पोपटलाल, जरा उसके नजरिए से भी सोचो दोस्त। वो सुबह 3 बजे उठ के बेचारा 4 बजे होलसेल मार्केट से ये सब सब्जी लेके आता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है, तो वो भी 2 पैसा कमाने का तो देखेगा ना भाई। पर इतनी रात को हमें नींबू मिल रहे हैं, तो थोड़ा ज्यादा भाव तो देना ही पड़ेगा ना। मैं कुछ गलत कह रहा हूँ दोस्तों? नहीं नहीं, सवाल नहीं। पोपटलाल, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो भाई, इस वक्त कीमत नींबू की नहीं है, कीमत वक्त की है। लेट नाइट कभी हमें टैक्सी लेनी पड़ती है या रिक्शा लेना पड़ता है, तो किराया ज्यादा ही होता है ना, और हम देते हैं ना, तो उस वक्त हम थोड़ी बोलते हैं कि ये भाई लुटेरा है या कालाबाजारी कर रहा है, तो वक्त की कीमत है। सही बात है। सॉरी सॉरी दोस्तों भाई, मैंने उस नजर ऐसा सोचा ही नहीं। अरे क्या सॉरी पोपटलाल, इतनी रात को एक तो चल के यहाँ तक नींबू लेने आया, नींबू मिल भी गए थे कि तुमने सब्जी वाले को भगा दिया। यस, वी आर बैक टू स्क्वायर वन। पर अब नींबू कहाँ से मिलेंगे? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं हो सकता आती भाई, चलो घर चलते वापस। ए भाई, क्या वापस चलते? नहीं नहीं नहीं, इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। देखो जयटलाल, हार मान लो, नींबू चाहिए तो और चलना पड़ेगा। एक मिनट अय्यर भाई, आपको क्या लगता है मैं चल नहीं सकता हूँ? चलो एक काम करो, मेरे और पोपटलाल के साथ आप भी अभी अहमदाबाद चल के चलो। अरे मैं नहीं आ रहा हूँ भाई, अपना तो हो गया ना क्लियर वहाँ। हाँ ठीक है अय्यर भाई, मैं और आप, हम दोनों जाते हैं चल के। हाँ? आप देखना मैं कितना चल सकता हूँ। अरे एक मिनट जयटलाल, अभी रास्ते में चलना नहीं है भाई, कोई रास्ता सोचो, नींबू कहाँ से लाए? हाँ सोचो। वैसे एक आइडिया है, क्या किसी होटल में जाके हम लोग नींबू मांग सकते हैं? भाई ये एरिया में सबसे नजदीक वाला होटल भी काफी दूर है, और वहां जाके क्या पता होटल वाला नींबू हमें बेचेगा नहीं बेचेगा। आमतौर पे होटल वाले क्या छूटक सामग्री ऐसे बेचते नहीं है। सही बात है। एक काम करते हैं, रेलवे स्टेशन चलते हैं। अय्यर, दादर का मार्केट सुबह 4 बजे लगता है, अभी से जाके क्या करेंगे वहाँ पे और घर पे क्या बोलेंगे? अरे नहीं नहीं आत्माराम, मैं दादर चलने का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गोरेगांव रेलवे स्टेशन चलने का बात कर रहा हूँ। क्या रेलवे स्टेशन के बाहर सब्जी वाले रहते हैं, तो शायद हमको वहाँ पर नींबू मिल जाएंगे। अरे भाई, स्टेशन तो काफी दूर है और अभी तो कोई रिक्शा भी नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं कह रहा था सोडी की जीप में चलते हैं, अभी सोडी की जीप होती तो कहीं भी जाकर नींबू ले सकते थे। ठीक है भाई, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब क्या करें। अच्छा एक काम करते हैं, हम अब्दुल ही को फोन लगा के पूछ लेते हैं ना कि आसपास कोई और सब्जी की दुकान है क्या, वहाँ नींबू मिलेंगे कि नहीं, वो बता देगा। मैं अभी अब्दुल को फोन करता हूँ। लगा लगा, स्पीकर पे कर लेता हूँ। दोस्तों, प्यासे व्यक्ति पानी ढूंढता है, भूखा व्यक्ति भोजन ढूंढता है, अंधेरे में भटके हुए राही को तलाश होती है रास्ते की। ठीक वैसे हम लोग नींबू ढूंढ रहे हैं, इतनी देर रात नींबू ढूंढ रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना? थोड़ा क्या, बहुत अजीब लग रहा होगा। लेकिन सब्जी वाले के पास नींबू मिल नहीं पाए, अब क्या करें? अब हम अब्दुल को फोन कर रहे हैं जानने के लिए कि नींबू कहाँ मिलेंगे, और अब्दुल हमें एक रास्ता सुझाने वाला है, जो कि मैं आपको बता दूं, रास्ता कम और गड्ढा ज्यादा होगा। क्या सुझाएगा अब्दुल रास्ता, और नींबू हमें मिलेंगे या नहीं, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.